हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्ट टू यू एंड होपफुली आप लोग मेरे चैनल से कनेक्ट हो रहे हैं। और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ टेक्स्ट को आप किस तरीके से एनिमेट कर सकते हैं, राइट? सो ये आप अपना आफ्टर इफेक्ट ओपन कर लीजिए, न्यू कंपोजिशन। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ HD कंपोजिशन जिसका नाम दे दिया मैंने टेक्स्ट, 25 फ्रेम रेट पर सेकेंड, और हम इसको ले रहे हैं 10 सेकेंड कंपोजिशन। ओके, सो इसके लेने के बाद हम इस पर लिखते हैं टेक्स्ट, या तो आप राइट क्लिक करके न्यू टेक्स्ट कर सकते हैं फिर भी, या फिर आप अपने टूल से भी टेक्स्ट ले सकते हैं। मैं राइट क्लिक करके एक न्यू टेक्स्ट ले रहा हूँ और इसमें लिख देते हैं हम अपना फेवरेट शटर। ओके, राइट। और इसका फॉन्ट रखा है मैंने कोको गूस। अलाइन कर लेते हैं इसे सेंटर पे, सिलेक्टेड अलाइन पे गए, सेंटर अलाइन। ओके, नाउ आप इसके यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर एक एरो सा है, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टेक्स्ट के लिए एनिमेट्स हैं। तो एनिमेट में हम हर ऑल ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे तो हम इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को एनिमेट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें इसमें मिलता है रेंज सेलेक्टर फॉर एवरीथिंग। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हम ओपेसिटी को किस तरीके से एनिमेट कर सकते हैं। लेट्स सी, ओपेसिटी मैंने यहाँ पर जीरो कर दी। अब इस ओपेसिटी को हम एनिमेट करेंगे थ्रू रेंज सेलेक्टर। तो आप क्या करेंगे, आप रेंज सेलेक्टर को ओपन करेंगे, ठीक है, और यहाँ से आप इसको ऑफसेट करेंगे। तो ये धीरे धीरे आपको दिख रहा होगा कि इस तरीके से इसकी ओपेसिटी बढ़ रही है, राइट? तो हम एक काम करते हैं, हम इसको ज़ीरो पे रखते हैं, यहाँ पर एक की फ्रेम यहाँ देते हैं और एक सेकंड के बाद हम इसके प्रॉपर्टी को 100 कर देते हैं, यानी फुल ओपेसिटी देते हैं। तो ये अभी हमारी इस तरीके से एनिमेट होकर आ रही है, ठीक है। और बाकी ईज इन ईज आउट, इज इन, ठीक है। ग्राफ मोड, इसको हम स्पीड को कुछ इस तरीके से कर देते हैं। अब इसे एनिमेट करके देखते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये अब इसकी ओपोसिटी हो रही है। इसी के अंदर आप एडवांस में जाएंगे और एडवांस में यू विल हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ रैंडम ऑर्डर। आप इसे रैंडम अगर ऑन करते हैं तो किस तरीके से एनिमेट होगा, ये बेसिकली रैंडम एनिमेट होगा। ओके, दिस वे, राइट? तो ये हो गया आपका ओपेसिटी, ओपेसिटी कर रहे हैं आप। अब सेम तरीके से अभी मैं इसकी ओपेसिटी वाला रैंडम का एडवांस ऑप्शन बंद कर देता हूँ। अब हम इसके पोजीशन को भी एनिमेट कर सकते हैं। अभी वहाँ पर एनिमेशन हो रखी है तो अब हम माना पोजीशन हम वाई एक्सिस पे इसे नीचे लेकर आ रहे हैं, जब हम इसे करेंगे तो ये वाई एक्सिस से रैंडम अपनी पोजिशन ले लेगा, ठीक है। हमने एक बार रेंज सेलेक्टर से ऑफसेट सेट कर दिया, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली एनिमेट हो रही हैं। ये थोड़ा सा लंबा ले लेते हैं एनिमेशन को और इसका आउट पॉइंट एन दबाकर शॉर्टकट की अब इसे एनिमेट करके देख लीजिए आप, लाइक दिस, ठीक है, कूल। और इसको हम थोड़ा सा ग्राफ एडिटर से इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं और स्लो दे देते हैं ताकि और स्लो हो। ओके, नाइस। तो ये हो गया हमारा पोजीशन और ओपोसिटी को हमने ऑफसेट देकर एनिमेट किया। सेम तरीके से हम लोग स्केलिंग को भी कर सकते हैं, स्केल करके भी कर सकते हैं। तो जब मैं स्केल करके करूँगा तो इट विल कम लाइक दिस। रैंडम ऑर्डर है, रैंडम में ओपोसिटी भी हो रही है, रैंडम में पोजीशन भी हो रही है और रैंडम में स्केलिंग भी हो रही है। से अब इसी चीज़ में हमें स्क्यू भी करना है तो हम स्क्यू भी कर सकते हैं। स्क्यू कितना करना है, हमने इतना रख लिया एंड देन लाइक दैट। ओके, गॉट इट। ये इस तरीके से एनिमेट हो रहा है। अभी तो हमारा स्क्यू हो गया। आप इसमें हल्की सी रोटेशन भी देना चाहते हैं तो रोटेशन भी दे सकते हैं, सॉरी ओपोसिटी नहीं, रोटेशन, इस तरीके से। तब तो रोटेशन भी क्या हो रही है, इसकी ऑफसेट के साथ एनिमेट हो रही है। आ गया समझ में आप लोगों को? इट्स वेरी इजी, कुछ नहीं करना, हमने ऑफसेट को एनिमेट करना है और फिर हमारे पास जो ये सारी प्रॉपर्टीज है इन सबको आप कर सकते हैं। आपके पास फिर अलग अलग तरीके से भी है कि आप ओपोसिटी, रोटेशन, स्क्यू, स्केल, पोजीशन, आप इन्हें अलग अलग भी कर सकते हैं या ऑल ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ भी कर सकते हैं, गॉट इट। उसके बाद अगर आप चाहें तो इसमें ट्रैकिंग ऐड करना चाहें तो आप ट्रैकिंग भी ऐड कर सकते हैं। वो किस तरीके से होगा, मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ। लेट्स ऐड ट्रैकिंग, ठीक है। तो ट्रैकिंग का रेंज सेलेक्टर ये है, राइट? और हम इसके रेंज सेलेक्टर को ओपन करते हैं एंड देन अगेन उसका ऑफसेट, बस ट्रैकिंग अमाउंट हमें क्या करना है, थोड़ा सा बढ़ा देना है
लाइक दिस। अगर मैं इसके ऑफसेट को करूँगा तो ये इस तरीके से आके ट्रैक करेगा। तो लेट्स हम इसका भी ऑफसेट 0 रखते हैं, एंटर। यहाँ पर की फ्रेम ऐड करते हैं, सॉरी से शुरुआत में करेंगे फर्स्ट फ्रेम पे, देन लास्ट फ्रेम पे हम इसको 100 कर देते हैं, राइट इस तरीके से। एंड देन हम ट्रैकिंग अमाउंट बढ़ा रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा चाह रहा हूँ मैं, और फिर वही इज इन इज आउट की फ्रेम एडिशन इज इन। गो टू ए ग्राफ एडिटर, ग्राफ एडिटर में जाके हम इस वाले को थोड़ा सा स्लोपी बना देते हैं, ओके समथिंग लाइक दिस, ओके से प्ले करके देखते हैं। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये किस तरीके से हुआ है। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, अगर आपको कोई टेक्स्ट एनिमेशन के लिए कहता है तो आप सारी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और धीरे धीरे एक सिंगल ऑफसेट से आप इन सारी प्रॉपर्टीज़ को एनिमेट कर सकते हैं। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इट्स वेरी ईजी, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिंपल है, आपको एक ही ऑफसेट में सारे काम हो गए आपके।